नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सर बताएं क्या फैसला है? आज माननीय न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को मृत्युदंड का फैसला सुनाया गया है। 302 में मृत्युदंड और 307 सफरी धारा 149 में 10 वर्ष की सजा और 5 लाख का जुर्माना और सब धाराओं में 5 वर्ष सजा सुनाई गई है। कौन कौन अभियुक्त थे जिनको आज सुनाया गया? आज जो है ये हिलालुद्दीन उर्फ हिलाल और दूसरे हैं नफीकुल विश्वास। पूरा मामला क्या था? पूरा मामला 28/7/2005 को संजीवी कांड एक विस्फोट हुआ था, जिसमें 14 लोग मरे थे और 62 लोग घायल हुए थे। इसमें दो अभियुक्तों को पूर्व में सजा सुनाई जा चुकी है मृत्युदंड की। आज माननीय न्यायालय द्वारा बचे दो अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। कुल कितने गवाह गुजरे? और कुल 53 गवाह गुजरे हैं और इसमें 117 हम लोगों ने प्रदर्शित कराया है प्रदर्श कर, और उस आधार पर आज माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है। फैसला आने में इतना लंबा समय? इतना लंबा समय? दो को 7 साल पहले सजा हुई, दो को 7 साल पहले सजा हुई, चूंकि ये लोग हैदराबाद की कोर्ट में वांछित थे वहां चले गए थे और माननीय न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय में उन लोगों की रिट याचिका पेंडिंग थी, जिसमें पत्रावली चली गई थी। पत्रावली आने पे बहस हुई और बहस के दौरान आज फैसला सुनाया गया। इन्होंने क्या घटना में किस तरह का था और किस तरह अंजाम दिया, रोल क्या था? नफीकुल विश्वास ने बम बनाने में और मदद किया था बम विस्फोट करने में, और हिलालुद्दीन ने बम रखा था जो जिसमें विस्फोट हुआ था। नीचे सतीश कुमार पांडे, डीजीसी फौजदारी।